नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। स्वाति मालेवाल केस से विभव कुमार की रिमांड खत्म हो गई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वाति मालेवाल से जुड़े मामले की अपडेट है, जिसमें विभव कुमार की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। आज 30,000 कोर्ट में विभव कुमार को फिर से पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड बढ़ाने की इस दौरान मांग कर सकती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिजनों से भी इस मामले में आज पूछताछ हो सकती है। सीएम केजरीवाल के माता पिता और पत्नी से इस मामले में, स्वाति मालेवाल से जुड़े मामले में पूछताछ हो सकती है। मारपीट केस में आज पुलिस पूछताछ करेगी, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। स्वाति मालेवाल के साथ मारपीट के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी 5 दिन की रिमांड दी थी। आज वो रिमांड खत्म हो रही है। वहीं आज विभव कुमार को 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। अजय चौहान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज विभव कुमार की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, उन्हें 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने बजे उनकी पेशी, क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उनकी विभव कुमार गिरफ्तारी हुई थी और लगातार दिल्ली पुलिस उनको वाहवा ठिकानों पर लेके गई थी, जहां जहां पर उन्होंने फोन और ट्रांसफर किया था। तो बता दें कि आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है, लेकिन क्या 11 बजे के बाद उनको लेके जाएगा कोर्ट। उसके बाद दिल्ली पुलिस उनके रिमांड मांगे, क्योंकि अभी जो जाँच है वो पूरी नहीं हुई, जाँच के लिए वो समय मांगेंगे लगातार। वही अगर बात करें अरविंद केजरीवाल के माता पिता को भी 11:30 बजे का समय दिया है, क्योंकि उस समय दिल्ली पुलिस जाएगी पूछताछ के, क्योंकि मामला इस तरह की अरविंद केजरीवाल के घर पर जब स्वाति मालेवाल के साथ मारपीट हुई थी, जो घरग्रहण से हुआ था, विभव कुमार मौजूद थे तो उनके माता पिता भी मौजूद थे। यानी कहीं ना कहीं जो एंगल है, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से जाँच कर रही है और हर किसी के बयान वहाँ पर लेने जा रही है, क्योंकि सीएम आवास से में जितने भी लोग थे, जो 11 पॉइंट विभव कुमार ने बताए थे, 11 पॉइंट FIR उन्होंने लिखवाए थे, चेक किए, सभी को एक एक करके दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। आखिरकार जो मामला था वो क्या था और किस तरह से स्वाति मालेवाल के साथ मारपीट की गई थी और क्यों, आखिरकार किस कारण थी, तो कहीं ना कहीं अब जांच का विषय अब अरविंद केजरीवाल के जो माता पिता वही बताएंगे सच्चाई क्या है, क्योंकि वो उस समय मौजूद थे वहाँ पर। अजय, जिस तरह से आज विभव कुमार की रिमांड खत्म हो रही है, पुलिस की कोशिश यही होगी कि विभव कुमार की रिमांड फिर से बढ़ाई जा सके और बढ़ाने की मांग वो कोर्ट से करेगी पुलिस। कितने दिन की रिमांड पुलिस यहां पर मांग सकती है? साथ ही विभव कुमार की लीगल टीम की तरफ से, यानी विभव कुमार के वकीलों की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जा सकती है, क्या कुछ इस मामले में संभव? देखिए, विवेक कुमार के जो वकील हैं लगातार कह रहे हैं विवेक कुमार को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वही दिल्ली पुलिस ने कहा कि जिस तरह से घटना हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो दिल्ली पुलिस के पास जो हार्ड डिस्क लगी है उसके अंदर जो समय टाइमिंग है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई गई है। आरोप लगा के विवेक कुमार ने इस बीच में जो नोटिस थी वहां की वो डिलीट कर दी गई है, बाकी समय का उसमें मौजूद है, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं विवेक कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस चाहेगी कि उसको कम से कम 1 हफ्ते का 8 दिन की रिमांड दोबारा दी जाए, क्योंकि जांच से जो विषय है वो लंबा है और सभी से पूछताछ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस को 8 दिन का और समय मिल जाता तो जो सच्चाई है सामने आएगी। भाई जब माता पिता से बात की जाएगी, क्योंकि माता पिता भी बताएंगे आखिरकार स्वाति माल, क्योंकि उनके पुराने संबंध रहे हैं, वो काफी साल जाती रहती है स्वाति माल के घर पर, क्योंकि सांसद भी रही है, तो लगातार कहने के जो 12 साल का उनका परिवार संबंध था वो 2 दिन में कैसे टूटा, इसकी भी जांच होगी कि आखिरकार कारण क्या था, क्योंकि स्वाति मालेवाल कई ऐसे और नाम सामने लिए हैं कि जो उनके मंत्री हैं वो लगातार कहीं झूठ बोलते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं। अगर माता पिता उनको ध्यान आता है कि आखिरकार घटना क्या हुई थी, तो कहीं ना कहीं और मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखने ये होगा विभव कुमार की अगर रिमांड बढ़ाई जाती है तो और सच्चाई कितनी आगे आएगी। अजय, जिस तरह से जब स्वाति मालेवाल के साथ ये पूरी घटना हुई सीएम आवास में, तब अरविंद केजरीवाल के माता पिता और पत्नी वहीं मौजूद थे, और आज जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस उनके माता पिता या पत्नी से पूछताछ, इस मामले से जुड़ी पूछताछ की कर सकती है, तो क्या माना जाए इसको लेकर, क्या जानकारी? बिल्कुल, बताते रहिए जिस तरह से पूछताछ की का समय गया था, कल एक बयान केजरीवाल जी का था, मैं भी चाहता हूँ कि पूरी सच्चाई सामने आए और जो बात है उसके बयान को लेकर के आज दिल्ली पुलिस ने जब उनके माता पिता से समय मांगा तो उन्होंने 11:30 बजे का समय दिया है, लेकिन हकीकत क्या होगी ये तो उनके बयानों के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार स्वाति मालेवाल घर में आई, क्योंकि जिस तरह से विभव कुमार ने कहा था कि स्वाति मालेवाल जो थी लगातार बिना परमिशन के, बिना अपॉइंटमेंट के अरविंद केजरीवाल के निवास पर आई थी, ऐसे उनके बयान सामने आ रहे थे, लेकिन जो हकीकत है वो तो ड्राइंग रूम के कुछ फोटेज भी आए थे, गाली गलौज करने के भी आए थे, धमकी देने के भी आए थे,
तो कहीं ना कहीं देखिए माता पिता है जो बुजुर्ग है, अगर वो चाहेंगे तो सच्चाई होगी सामने आएगी और सच्चाई बताएंगे। अगर ऐसे कुछ सामने आता है, कोई तथ्य सामने आता तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जाएगी। लेकिन दीपक कुमार की जो रिमांड है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बढ़ाएगी, क्योंकि सारा जो मामला सामने आया दीपक कुमार के ऊपर है। क्योंकि पहले भी ऐसी मामला सामने आया था यूपी में, कहीं बताते हैं सूत्र से कि यूपी के सबसे भी उनके तरफ से केस चल रहे हैं। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें इस बात की पुष्टि हुई थी कि उनके आंख के पास और हाथ पांव में कुछ निशान है, ऐसे में उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में जाकर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की, पूछताछ करने की कोशिश की। अब जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है कि केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी से भी पूछताछ हो सकती है, क्या माना जाए कितना स्ट्रॉन्ग विभव कुमार के खिलाफ ये पूरा मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल है, जांच एजेंसी ऐसा मजबूर है, लगातार दिल्ली पुलिस के चाहते किसी भी एंगल से जांच की जाए, कोई भी एंगल छूट ना जाए। क्योंकि तो मामला से एक राज्यसभा सांसद का है लगातार, तो वो भी सीएम आवास का है, तो वो जो आरोप लगाए हैं विवेक कुमार के ऊपर या विवेक कुमार ने उनके ऊपर लगाए हैं, एक सीमावास की घटना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई भी त्रुटि है, क्योंकि लगातार राजनीति होती रह रही, वही स्वाति मालीवाल को लेकर के आतिश ने साफ साफ कहा ये बीजेपी का एजेंडा है और दो दिन के अंदर एजेंडा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिरकार जो सच्चाई है वो सामने आने चाहिए। दिल्ली पुलिस भी यही चाहती है जो सच्चाई सामने, सभी के बयान जो सिक्योरिटी गार्ड गेट से लेकर जो अंदर तक व्यवस्था बनाई गई थी, जो सिक्योरिटी गार्ड होते सभी से एक एक करके पूछताछ की जा रही है कि सभी के बयान को मिलाया जाएगा, आखिरकार किसने क्या बयान दिया। तो कहीं ना कहीं अब स्वाति मालीवाल की तरफ से बयान आ रहा है, जिस तरह से दिल्ली में 25 मई को चुनाव है उससे पहले पूरी तरह से इस मामले ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से आम आदमी पार्टी को जमकर घेर भी रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी के लिए बुन रही है। फिर स्वाति मालीवाल का भी जिस तरह से ट्वीट आया कि बीजेपी दूर रहे, किस तरह से देखे इसे? बिल्कुल देखिए, यह बताया कि जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि जो 12 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल के परिवार के साथ रही हो या उनके राजनीति के साथ रही हो, ऐसे में अगर अचानक से घटना हुई घटना के बाद बीजेपी ने इससे कूल लिया, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महिला आयोग ने भी इससे एक्शन लिया, तब जाके कहीं FIR और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन लगातार कि जिस आदित्य ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पूरा बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी से मिली हुई है स्वाति मालीवाल, क्योंकि उनके व्हाट्सएप की बात करें, कॉलिंग की बात करें, क्योंकि वो पहले ही बता देते हैं आखिरकार होना क्या है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति लेकिन स्वाति साफ साफ मना करी, मेरा कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति है, क्योंकि चुनावों का समय है और 25 तारीख की वोटिंग होनी है, उससे पहले ये घटना हुई, तो कहीं ना कहीं अब जो चांस है क्या उसके बाद आगे चलेगी, क्या मुश्किल होंगी, क्योंकि लगातार जो धाराएं लगाई गई हैं, तो ऐसे में विवेक कुमार की जो जेल जाना जरूरी हो गया, क्योंकि लंबे समय तक जेल जा सकते हैं। अब आरोप के साथ जो तैयारी की जा रही है, जहां छेड़छाड़ की गई है कुछ सबूतों के साथ, उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम पूरी वहां से डाटा ले गई है, उसको लेकर चेक करेगी आखिरकार जो समय था, जो टाइमिंग था, वो कैसे डिलीट हुआ। तो देखिए रिकवरी करी जाएगी, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ की जाएगी, वो उसमें क्या ध्यान देते, वो अहम भूमिका में शामिल होगा। जिस तरह से अजय पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि एक महिला सांसद के साथ सीएम आवास में इतनी बड़ी घटना हो जाना अपने आप में काफी गंभीर है मामला, और आज शाम क्योंकि 25 मई को वोटिंग है, आज शाम प्रचार प्रसार भी थम जाएगा, क्या माने 25 मई को वोटिंग वाले दिन जब मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे, क्या स्वाति मालीवाल का ये जो पूरा मामला है ये आम आदमी पार्टी के लिए कितना नफा और नुकसान? देखिए ये तो राजनीति है और जनता का वोट है, वो किसको देती है किसको नहीं देती है वो तो उसका अधिकार है, लेकिन ये जरूर मामला है कि जिस तरह से घटना सामने आई है, अरविंद केजरीवाल की किस आवाज सामने आई है, फुटेज सामने आई है, जनता भी चाहती है कि जब सीएम आवास के अंदर एक सांसद के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है उनके पीए द्वारा, तो आम जनता की जो महिलाएं हैं जो बाहर रहती हैं रोड से निकलती हैं उनके साथ क्या होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए और जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन हाँ ये जो है कुछ ना कुछ बात जरूर पड़ेगा, क्योंकि लोग जानते हैं समझदार समझते हैं पढ़े लिखे हैं कि वोट किसको देना चाहिए, जो अपने घर के अंदर सोचल नहीं सकता तो बाहर क्या कर सकता है। तो ऐसे में बीजेपी ने पूरा एजेंडा बनाया कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी करनी है, कटनी में बड़ा फर्क है, जो कहते हैं वो नहीं होता है, लेकिन ये जो है दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। यह बीजेपी की तरफ से लगातार कहते हैं सवाल खड़े होते हैं, तो देखना यह होगा आखिरकार जो जांच। बिल्कुल अजय ठीक, चुनाव से पहले इस पूरे मामले ने, स्वाति मालीवाल से जुड़े इस मारपीट के मामले ने दिल्ली की सियासत गरमा दी है। वहीं दूसरी तरफ आज विभव कुमार को 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा, हालांकि उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कितनी उनकी मुश्किलें या उनका संकट जो है बढ़ता है। आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। आज पंजाब हरियाणा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब के पटियाला में पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से भी वोट मांगेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से धीरे धीरे ये चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा है, 5 चरणों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, अब बारी 6ठे और 7वें चरण की है, 2 चरण ही सिर्फ रह गए हैं। ऐसे में हलचल पूरी तरह से तेज है और इसी कड़ी में प्रचार प्रसार को और धार देने के लिए पंजाब और हरियाणा में चुनावी माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी का चुनावी कार्यक्रम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात सुल्तानपुर की कर लेते हैं। आज जनसभा करेंगे वरुण गांधी। तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनावी ताल ठोक रही हैं। मेनका गांधी के समर्थन में आज उनके बेटे वरुण गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मां मेनका गांधी के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। साथ ही जिले में करीब दर्जन भर नुक्कड़ सभाएं को संबोधित भी करेंगे। जिले के 5ों विधानसभाओं में भी तूफानी दौरा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 25 मई को सुल्तानपुर में भी चुनाव है, जिसको देखते हुए सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए और अपनी मां मेनका गांधी के लिए वोट मांगने के लिए वरुण गांधी चुनावी रण में पहुंचेंगे। मां मेनका गांधी के लिए जनता से वोट मांगेंगे, जनसभा करेंगे। साथ ही जिले में करीब दर्जन भर नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे वरुण गांधी। इसी के साथ जिले की जो 5ों विधानसभाएं हैं, जो सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र की 5ों विधानसभाएं हैं, उनमें भी तूफानी दौरा करेंगे। तो सुल्तानपुर में मां मेनका गांधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे वरुण गांधी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया था, जिसके बाद प्रचार प्रसार से थोड़ा दूरी उन्होंने बना ली थी, लेकिन अब मां मेनका गांधी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए सुल्तानपुर के रण में वरुण गांधी नजर आएंगे। सुल्तानपुर में आज वरुण गांधी के कई सारे कार्यक्रम हैं, कई सारी नुक्कड़ सभाएं करेंगे। साथ ही सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र की जो 5ों विधानसभाएं हैं, वहां भी तूफानी दौरा करेंगे। शैलेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, जिस तरह से पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा, उसके बाद वो थोड़ा प्रचार प्रसार से दूर नजर आए, लेकिन अब मां मेनका गांधी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनका आज का कार्यक्रम है? निश्चित तौर पर आपको बता दें, मां मेनका के लिए वो इमोशन कार्ड खेलते हुए करीब 1 दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, वो पूर्व में यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं और यहाँ के तौर तरीकों को वो अच्छी तरह समझते हैं, और इमोशन कार्ड खेलते हुए मां मेनका के लिए वो वोट मांगेंगे और तूफानी दौरा में करीब 1 दर्जन जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। करीब 1 दर्जन नुक्कड़ सभाएं और 5ों विधानसभाओं में वो बारी बारी जाएंगे और मां मेनका के लिए वोट मांगेंगे, उन्हें भारी मतों से जिताने के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल शैलेश, जिस तरह से वरुण गांधी सुल्तानपुर से उनका पुराना रिश्ता रहा है, सांसद भी रहे हैं, सुल्तानपुर को समझते हैं बेहतर तरीके से, ऐसे में जब आप सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं वरुण गांधी, तो ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से उनकी नुक्कड़ सभाएं होने वाली है कई सारे, क्योंकि सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में जो 5ों विधानसभाएं हैं वहां भी फोकस करेंगे, 5ों में उनका दौरा है, उनके दौरे को लेकर किस तरह से तैयारियां? देखिए, करीब 1 हफ्ते पहले से ये तैयारी जानकारी हो गई थी कि वरुण गांधी मां मेनका के लिए 5ों विधानसभाओं में ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं करेंगे, उसी हिसाब से कार्यक्रम बनाए गए हैं। आपको बता दें, करीब 4 विधानसभाओं में भाजपा का परचम लहराया हुआ है। 1 विधानसभा में इसौली मान ले तो वहाँ पे विधायक जो है ताहिर है, बाकी 4ों विधानसभाओं में ताबड़तोड़ जीत भाजपा की पिछले कई दशकों से रही है, पिछले 10 सालों से रही है, और 1 विधानसभा जो इसौली है वहाँ पर कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वहाँ पर सपा के इंडिया गठबंधन के जो वो ताहिर विधायक है वहाँ से, वहाँ पर भी नुक्कड़ सभाओं को ज्यादा अमली जमा पहनाया जाएगा। जी साथ ही शैलेश, जिस तरह से आज वरुण गांधी मौजूद रहेंगे, क्या माना जाए उनके साथ कौन कौन दिग्गज और मौजूद रह सकते हैं? जी अभी तो मां मेनका ही अपने आप में दिग्गज है, उनके साथ में वरुण है और ये एक अपने आप में ही सेलिब्रिटी है, और लोगों से इमोशनल कार्ड खेलते हुए वो अपनी माँ के लिए
वोट मांगेंगे, जैसे आने वाले छठे चरण के चुनाव में 25 मई को जो होने वाला है उसमें अधिक से अधिक वोट उनको मिले और वो विजय का पताका लहरा सके। बिल्कुल, आज उसके लिए चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन भी है, आज शाम चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में इस बीच सुल्तानपुर में मेनका गांधी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वरुण गांधी आज पहुंच रहे हैं, कई नुक्कड़ सभाएं करेंगे, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। ना कि ग्रह ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में उन्होंने रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं उनमें तीन चीजें समान हैं, घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी है। दिल्ली में जो लुटियन गैंग है, खान मार्केट गैंग है, इन घोर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी, उनके पापों को देश की जनता से छुपाने का पाप किया, जिसने भारत के संविधान के साथ धोखा किया है। ये इंडी गठबंधन आज देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं इनमें तीन चीजें समान है, तीन चीजें इनकी रगों में है। एक है ये इंडी गठबंधन के सारे लोग घोर सांप्रदायिक है, दूसरा ये घोर जातिवादी है, तीसरा ये घोर परिवारवादी है। इन तीनों में दिखाई देगा। दिल्ली में जो लुटियन गैंग है, जो खान मार्केट गैंग है, उसने इन घोर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी है, उनके पापों को देश की जनता से छुपाने का पाप किया है। और मैं इस चुनाव में एक लड़ाई लेकर के निकला हूं, जिन लोगों ने भारत के संविधान के साथ धोखा किया है, जिन्होंने भारत की बिन सांप्रदायिकता की भावना के साथ धोखा किया है, अब समय आ गया है ऐसे घोर सांप्रदायिक लोगों को देश पहचाने, मेरे मुसलमान भाई भी पहचाने। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? वहीं श्रावस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान भी दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनामिका जैन के गाने राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर की लाइनों को दोहराया। पांच चरणों का चुनाव हो गया है और पांच चरणों के चुनाव में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में भी 53 सीटों पर, 80 में से 53 सीटों पर चुनाव हो गए हैं और 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहा है हर व्यक्ति पहले से निश्चिंत है। दुनिया भी, देश भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक, पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प है, एक ही स्वर सुनाई देता है और वह है कि फिर एक बार
जब 400 पार की बात हम करते हैं तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि बहनों और भाइयों 400 सीटों पर तो उसने कभी सपने में भी चुनाव लड़ने की नहीं सोचा है। 400 सीटों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, इसलिए बोलते हैं क्या 400 पार पा जाएंगे? जनता जनार्दन कहती है हां पाएंगे। और जनता जनार्दन के द्वारा तो यह भी कहा जाता है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, वो कहते हैं क्यों? तो जनता जनार्दन के द्वारा जवाब दिया जाता है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के, राम भक्त ही राज करेगा। और इस समय सबसे बड़े राम भक्त हैं नरेंद्र मोदी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।